कालीन का शहर भदोही, जहां मखमली कालीन देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग छाप बनाती है। बुनकरों के हाथों से बनी हुई कालीन विदेशी बायर की पहली पसंद होती है। विदेश से आए बायर हस्तनिर्मित कालीन की खरीदारी अधिक करते हैं, लेकिन इस समय कालीन के कारोबार में मंदी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के कारण विदेशों से बायर नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बुनकर भी एक साथ काम करने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का डर कालीन की खूबसूरती पर हावी हो गया है। बुनकर बताते हैं कि कोरोना वायरस का बाजार पर काफी असर पड़ा है। रोजाना जितनी कालीन उन्हें मिला करती थी, अब वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बुनकरों का परिवार चला पाना मुश्किल हो गया है। कोरोना वायरस ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। हर जगह लोग सहमे डरे हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस का तो बहुत असर पड़ रहा है इस पर, और कारीगर जो है डिस्टेंस बना के काम करना चाहते हैं। कारपेट का काम ऐसा है कि डिस्टेंस बनाकर काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एक गलीचे में तीन तीन चार चार कारीगर लगते हैं। जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से उसमें लगते हैं, तो असर तो पड़ रहा है। सेलिंग का क्या चल रहा है, मतलब जितना काम पहले मिला करता था क्या उतना काम अब मिल पा रहा है? सेलिंग में जब इससे अब लोग दूर भागते रहेंगे तो सेलिंग तो असर पड़ेगा ही, और लोग कारपेट लेने से जो है इस समय हिचक रहे हैं, वहाँ मेले में जा नहीं पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ मेला लगने वाला था दिल्ली में, वो भी कैंसिल हो गया है अभी। हाँ, मंदी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, लोग एक साथ काम करने से कतरा रहे हैं, और काम से बड़ी परेशानी हो रही है, और काम नहीं हो पा रहा है तो ढंग से, तो बाल बच्चों को भी खिलाने पिलाने में बहुत परेशानी होती है। ये कही जो जितना काम पहले मिला करता था, हाँ, तो उतना काम मिल पा रहा है इस समय? नहीं, इस समय तो काम बहुत मंदी चल रहा है, काम बराबर नहीं मिल पा रहा है। क्या बता रहे हैं? यही वायरस, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसकी वजह से मेला वाला नहीं लग पा रहा है कालीन का, तो इस वजह से काम नहीं चल पा रहा है।